हाय गाइस, वेलकम। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एक कार का जो सिस्टम होता है, जो हम गाड़ियों के अंदर एम्पलीफायर सिस्टम, साउंड सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम, आप जो भी कह लें उसको, जो हम यूज़ करते हैं उसके कनेक्शंस हम किस तरह से करते हैं। और ये मैं 2.1 सिस्टम की बात कर रहा हूं। ये आप मेरे पास देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास मेरे हाथ में है 4 चैनल एम्पलीफायर, जिसको हम 2.1 एम्पलीफायर के तौर पर आमतौर पर यूज़ करते हैं। 99% जो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं कार्स के अंदर, वो 2.1 सिस्टम के ऊपर ही ऑपरेट होते हैं, एंड इट इज़ बेटर। ये एक बेटर ऑप्शन होती है। आप 2.2 के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एम्पलीफायर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आता है, तो इट्स बेटर कि आप इसको 2.1 के तौर पर यूज करें। यानी कि एक आपके पास इस तरह का 12 इंचेस का या 10 इंचेस का सबवूफर हो, और इसके अलावा आपके पास जो दो स्पीकर्स आप यूज करते हैं गाड़ी के अंदर वो हो। स्पीकर्स आप कोई भी यूज कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। ओके, तो यहां पे अभी मैं क्या करने वाला हूं कि मेरे पास आप जैसा कि देख सकते हैं कि एक तो ये एम्पलीफायर है, 4 चैनल एम्पलीफायर, और मेरे पास एक यहां पे देख सकते हैं प्री एम्पलीफायर है, जिसको कार टेप भी कहते हैं आमतौर के ऊपर। तो इसको क्या करूंगा, मैं अटैच करूंगा हमारे इस 4 चैनल एम्पलीफायर के साथ। जिस तरह से कनेक्शन होते हैं उसी तरह से करूंगा। आपको मैं एक एक चीज बताऊंगा कि कनेक्शंस जो हैं वो हम किस तरह से एक अच्छी वायरिंग के साथ हम कर सकते हैं। ओके, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूं वो इसकी है सेटिंग्स। यहाँ पे जो आप इसके कंट्रोल्स देख रहे हैं इस वक्त, यहाँ पे जो इसके कंट्रोल्स होते हैं, इसकी सेटिंग्स जो हैं वो बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनसे नहीं होती, वो ठीक तरह से नहीं कर पाते। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ होती है। इसकी जो सेटिंग्स हैं वो भी मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा, यानी कि ये एक डिटेल्ड वीडियो होने वाली है जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि हम एक एम्पलीफायर के कनेक्शन किस तरह से करते हैं। अगर हम एक कार एम्पलीफायर को घर पर हमें यूज़ करना पड़ जाए तो हम घर पर इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपने गाड़ी के अंदर भी उसको अपनी यूज़ करना है तो आप किस तरह से उसके सेटिंग्स कर सकते हैं, कनेक्शंस भी आप खुद कर सकते हैं, और इसके अलावा उसकी सेटिंग्स भी आप खुद कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये सब चीजें इस वीडियो के अंदर कवर होने वाली हैं। देखते रहिए ये वीडियो, और अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं हम अपना काम। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो प्री है मेरे पास, प्री एम्पलीफायर जो है, इसके पावर कनेक्शंस करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास टोटल 4 वायर्स हैं। यहाँ पे ये जो ब्लू वाली वायर है इसका तो कोई यूज़ नहीं है, एंटेना वायर होती है ये। ये मेरे पास 3 वायर्स हैं यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक रेड कलर की वायर है, ब्लैक है, एंड देन मेरे पास येलो वायर है। येलो वायर होती है रिमोट के लिए यूज़, तो येलो और रेड वायर्स को मैं आपस में कनेक्ट कर लेता हूँ। अब ये रिमोट क्या होता है, रिमोट ये होता है कि जब आप अपनी जो जो गाड़ी होती है, जब आप उसका स्विच ऑन करते हैं ना, तो आपका जो सिस्टम होता है वो ऑन हो जाता है, और जब इसको आप ऑफ करते हैं तो सिस्टम आपको ऑफ हो जाता है। आप 2 दफ़ा उसको घुमाते हैं तो आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है, तो जो आप 1 दफ़ा उसको घुमाते हैं तो आपका सारे का सारा जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है आपकी गाड़ी का एक्टिवेट हो जाता है, आपकी गाड़ी ऑन हो जाती है, और इंजन स्टार्ट होने से पहले। तो रिमोट का जो फंक्शन होता है वो एज ए स्विच काम करता है, तो इसको हम रिमोट कहते हैं। ये वाला रिमोट नहीं होता एक्चुअली। रिमोट का यहाँ पे जो फंक्शनैलिटी होती है वो ये होती है कि आप ऑब्वियसली आप ये तो नहीं ना चाहेंगे कि आपका एम्पलीफायर हर वक्त ही ऑन रहे, या फिर अलग से उसका स्विच हो जिससे आप ऑन ऑफ करें। आपकी जो गाड़ी का स्विच होता है, जैसे ही आप उसको ऑन करते हैं, आपका सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है गाड़ी का वो ऑन हो जाएगा, और इसके अलावा आपका जो साउंड सिस्टम है ऑब्वियसली वो भी ऑन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं कनेक्शंस करने वाला हूँ। मैंने रेड वायर यानी कि जो पॉजिटिव वायर होती है, और ये जो रिमोट वायर होती है जो जिसका मैंने आपको भी बताया, इसको मैंने कॉमन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं अभी फिलहाल यूँ रखूँगा। ये मेरे पास अभी 2 यानी कि यहाँ पे कनेक्शंस बन गए हैं, ठीक है। 2 कनेक्शंस बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव के, ठीक है। ओके, अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि ये मेरे पास एक वायर का पीस है। मैं क्या करूँगा कि जो रेड वाली इसकी वायर है, इस वायर के पीस जो मेरे पास वायर का जो पेयर है, ये जो रेड वाली इसकी वायर है, इसको मैं अटैच कर दूँगा इस तरह से, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव साइड के ऊपर। और इसके अलावा यहाँ पे जो मेरे पास ये ब्लैक वाली वायर है, इसको मैंने अटैच कर देना है हमारी ब्लैक यानी कि ग्राउंड वाली वायर के साथ, ठीक है। इस तरह से मैं इसको अटैच कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा कनेक्शंस इस प्री एम्पलीफायर के, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया था कि मैंने जो रेड वाली वायर थी और रिमोट वाली वायर जो मेरे पास यहाँ पे थी, आमतौर पे येलो कलर की होती है हर किसी प्री एम्पलीफायर के अंदर, आप जो भी यूज़ करेंगे उसमें येलो ही होगी, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रही तो इसके ऊपर हर जो एम्पलीफायर होता है उसके ऊपर यहाँ पर डायग्राम बनी हुई होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप यहाँ से इसको लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने अटैच कर दिया यानी कि पॉजिटिव इनपुट के लिए, एंड दिस इज़ द नेगेटिव इनपुट, ठीक है। यहाँ पर मैंने ग्राउंड के लिए नेगेटिव इनपुट लगा दिया, ठीक है। ये तो मेरे कनेक्शन हो गए हैं जी प्री के। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि ये है जी हमारा एम्पलीफायर, ठीक है। अब एम्पलीफायर का जो 4 चैनल एम्पलीफायर है, इसके पीछे वाली जो साइड है यानी कि जहां पे हम इनपुट्स एंड आउटपुट्स इसको देते हैं, यहां पे पावर आउटपुट यहां पे हमें लगानी है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, इधर ग्राउंड है,
रिमोट है जिसका मैंने आपको अभी बताया, और बी प्लस यानी कि पॉजिटिव जो हमारी वायर है वो इसके साथ यहाँ पे अटैच होगी। ठीक है, तो ग्राउंड के ऊपर तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे जो हमारे पास ब्लैक वाली वायर आ रही है प्री एम्पलीफायर से, ये अटैच कर देंगे, और रिमोट और बी पॉजिटिव जो है इनको दोनों को हम कर देंगे कॉमन, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से यही वाला जो हमने मैकेनिज्म है यहाँ पे भी यूज़ करना है, इसको हम कॉमन कर देंगे। तो क्या होगा कि हमारा जो एम्पलीफायर है फोर चैनल एम्पलीफायर ये भी ऑन हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कनेक्शंस घर पे करने के लिए। गाड़ी के ऊपर आपको पता है कि गाड़ी के अंदर आपको ये जो रिमोट वाली वायर होती है अलग से मिलती है। ओके, सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इसको सिंपली यहाँ से इसके जो स्क्रूज हैं वो यहाँ से मैं डिले करूँगा। ठीक है, और मेरे पास एक यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये है जी मेरे पास एक वायर का पीस, और इससे मैं क्या करूँगा इन दोनों को कॉमन कर दूँगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो रिमोट वायर है और इसके अलावा जो हमारी बी पॉजिटिव वाली वायर यहाँ पे फायर के अंदर में लगी हुई है, इसको मैंने आपस में कॉमन कर दी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको हमने आपस में जोड़ देना ताकि हमारा जो एम्पलीफायर है वो ऑन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मैं ये जो हमारे पास रेड वायर आ रही है इसको इस तरह से इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा जो पॉजिटिव वाला कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, पॉजिटिव वायर वाला। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से टाइट कर दिया स्क्रू को, इधर से भी इसको टाइट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने कर दिया रिमोट और बी पॉजिटिव को कॉमन। ठीक है, अब ये है जो ग्राउंड हमारी। ठीक है, तो ग्राउंड वाली जगह के ऊपर मैं सिंपली क्या करूँगा कि यहाँ पे जो हमारे पास प्री एम्पलीफायर के से जो हमारे पास ग्राउंड वायर आ रही थी उसको यहाँ पे मैंने ऐसे करके ग्राउंड कर दिया। ओके, अभी पावर देना है इसमें, बाकी ऑब्वियसली इसमें हमने 12 वोल्ट अभी इनपुट देनी है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कनेक्शंस कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम किस तरह से इसके जो कनेक्शंस हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए जी हमारे प्री एम्पलीफायर और एम्पलीफायर के कनेक्शंस। ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता दूं, यहाँ पे जो ब्लैक वाली वायर है वो सीधी यहाँ पे गई हुई है। ठीक है, यानी कि जो प्री एम्पलीफायर की जो ब्लैक वाली वायर जो ग्राउंड वायर है वो मैंने अटैच कर दिया डायरेक्टली हमारे जो फोर चैनल एम्पलीफायर है उसके ग्राउंड के साथ, और रिमोट को और पॉजिटिव वाली जो वायर थी इन दोनों को मैंने कॉमन करके आपस में एक ही वायर के साथ मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, और इनको भी मैंने यहाँ पे कॉमन कर दिया कनेक्शंस को। ओके, अभी मैंने क्या करना है कि मैंने इसके साथ हमारी जो 12 वोल्ट्स बैटरी है वो अटैच करनी है। ठीक है, तो फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि हमारी ये जो दोनों चीज़ें हैं ये ऑन हो जाएंगी। ओके, सो ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से करने वाला हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह की वायर्स हैं। ठीक है जी, ये क्रोकोडाइल वायर्स हैं जो कि मैं यूज़ करूँगा। अगर आप घर पे अपने एम्पलीफायर को यूज़ करना चाहते हैं तो ये वाली वायर्स बेटर होती हैं, और वायर आपकी जैसे ये है मेरे पास इतनी ही एटलीस्ट इतनी मोटी होनी चाहिए, अगर इससे ज़्यादा है तो वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए क्योंकि अच्छे खासे इसके ऊपर से एम्पेयर्स पास होते हैं। जब ये लगेगा, जब ये यूज़ होगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा भी कि इसके ऊपर से कितने ज़्यादा एम्पेयर्स पास होते हैं। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो दोनों मेरे पास क्रोकोडाइल्स हैं ये तो मैं लगा दूंगा बैटरी के ऊपर ऑफकोर्स, तो इनको तो मैं साइड पर करता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली मैंने क्या करना है अभी कि यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव के कनेक्शंस मैंने कर देने, सिंपल मैंने यहाँ पे जो वायर्स हैं उनको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है हमारे एम्पलीफायर के साथ। ठीक है, फोर चैनल एम्पलीफायर के साथ, तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे जो हमारा कनेक्शन ये वाला कंप्लीट हुआ है तो हमारी प्री एम्पलीफायर जो है हमारा ये भी ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी क्या करूँगा कि सबसे पहले तो ब्लैक वाली जो मेरे पास वायर है यानी कि जो ग्राउंड वायर है उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करके कनेक्शंस कर दूंगा इसके। ठीक है जी, ये आपने केयरफुली करना है, बहुत ज़्यादा आपने ध्यान रखना है ताकि हमारी जो है वो कहीं ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव वायर्स हैं ये आपस में शॉर्ट ना हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एम्पेयर्स आ रहे होते हैं बैटरी से, तो ये शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इट्स बेटर कि मैं इसको पहले पूरे का पूरा यहाँ से उतारता हूँ और उसके बाद मैं इसको लगा देता हूँ इसके अंदर, ताकि किसी भी तरह का जो रिस्क फैक्टर है वो इसके अंदर ना हो। ठीक है, आप भी जब लगाएंगे तो आपने भी इसी तरह से ही इसको लगाना है, स्पेशली जब आप गाड़ी के अंदर इसको लगा रहे होंगे, क्योंकि गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है इन केस अगर वहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट का सीन हो जाए तो काफ़ी बैड सीन हो जाता है, तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये देखें मैंने जिस तरह से लगाई है वायर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मैं अभी इसको स्क्रू को टाइट कर दूंगा। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से यहाँ पे लग जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा।
ओके, अब जो ये वाली वायर थी ये बाहर निकल आई थी, तो इसको मैं इसको भी इसके साथ यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने कर दी यहाँ से, हमारे प्री एम्पलीफायर से जो वायर आ रही थी, अभी इसको मैं पक्की तरह से यहाँ पे टाइट कर देता हूँ अच्छी तरह से। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे इसको टाइट कर दिया है। ठीक है, ओके, इसी तरह से अब जो ये हमारे पास पॉजिटिव वायर है इसको भी यहाँ पे हम लगा लेंगे। ठीक है, तो सिंपली इसको मैं यहाँ पे ऐसे करके यहाँ यूँ लगा लूँगा ताकि हमारा जो सिस्टम है वो टर्न ऑन हो जाए। ये मैं ज़रा थोड़ा सा अभी सिर्फ आप लोगों को वीडियो के लिए, ताकि ज़्यादा इसमें टाइम ना लगे, इसलिए मैं यहाँ पे कनेक्शंस कर रहा हूँ इस तरह से। ये ज़्यादा पक्के कनेक्शंस मैं नहीं कर रहा, आपने जब इसको जब भी कनेक्शंस करने हैं तो बहुत ज़्यादा पक्के कनेक्शंस करने हैं। ठीक है, तो ये मैंने दोनों वायर्स आपस में यहाँ पे लगा दिए, नेगेटिव और पॉजिटिव की। ठीक है, ओके, अच्छा, अभी मैंने इसको ऑन नहीं करना, अभी ऑन करने से पहले, मैंने क्या करना है कि यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं इनपुट और आउटपुट के कनेक्शंस मैंने यहाँ पे लगाने हैं। जैसा कि ये आपके, मैंने आपको बताया था कि ये प्री एम्पलीफायर है। ठीक है, अब प्री एम्पलीफायर का काम होता है कि यहाँ से इसको आउटपुट देना, इस वाले एम्पलीफायर को, फोर चैनल जो हमारे पास एम्पलीफायर है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये है जी आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्यू मिली वोल्ट्स यहाँ पे हमारे पास आते हैं ताकि इसको ये एम्पलीफाई कर सकें। ठीक है, यहाँ पे जो स्पीकर्स के साथ डायरेक्ट वायर लगती हैं इसकी, वो मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो जो आउटपुट होती है वो स्पीकर्स के लिए होती है, ये वाली आउटपुट होती है फोर चैनल एम्पलीफायर के लिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास सिस्टम्स आ रहे हैं, नए सिस्टम्स आ रहे हैं, उनमें ये चार आउटपुट्स ही होती हैं। जो पुराने सिस्टम्स हैं हमारे पास, इवन जो पायनियर के भी सिस्टम्स हैं, JVC वगैरह के सिस्टम्स मैंने देखे हैं, वहाँ पे हमारे पास दो आउटपुट्स होती हैं। तो ये अच्छा है कि हमें यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे हमें चार आउटपुट्स मिल रही हैं, तो हम सिंपली जो है वो क्या करेंगे कि इस एम्पलीफायर की चार इनपुट्स के अंदर हम इनपुट्स दे देंगे। ठीक है, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, कि हम ये किस तरह से करने वाले हैं। ओके गाइज, अब हमने पावर के कनेक्शंस तो कर दिए हैं, अभी हमने इसको पावर ऑन नहीं किया, लेकिन अब ये है जी मेरे पास वायर्स। ठीक है, ये है जी इनपुट्स और आउटपुट कनेक्शंस के लिए जो कि फोर चैनल वायर्स हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये टोटल जो RC कनेक्टर्स हैं मेरे पास, टोटल ये जो हैं आठ हैं। ठीक है, यानी कि दो एक तरफ, चार एक तरफ और चार दूसरी तरफ। ठीक है, फोर चैनल एम्पलीफायर हो तो ऑब्वियसली चार आउटपुट्स यहाँ से निकलेंगी, और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था, यहाँ से चार आउटपुट्स आपके निकलेंगी और इस एम्पलीफायर के अंदर चार आपने इनपुट्स देनी है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा कि इनके जो कनेक्शंस हैं वो करूँगा सिंपल, बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है, बस लेफ्ट राइट और जो चैनल है उसका आपने ध्यान रखना होता है, खासतौर पर जब सबवूफर के आप कनेक्शंस कर रहे होते हैं। और मैं आपको अभी समझा देता हूँ किस तरह से करेंगे। अभी सिंपली आपने क्या करना होगा कि ये जो प्री है यहाँ पे हमने कनेक्शंस कर देने। ठीक है, यहाँ पे रेड और वाइट है, आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जैसे भी आपने करना होगा। वाइट वाली वायर मैंने वाइट वाली के अंदर दे दिया है। ठीक है, इनपुट, और इसी तरह से ये वाले जो कनेक्शन है ये भी मैं कर लूँगा वाइट वाली वाइट में, और इसके अलावा जो हमारे पास रेड है उसको मैं येलो के अंदर दे दूँगा। ठीक है, ये हमारे पास आप जैसा कि देख सकते हैं इस वक्त मैंने चारों जो इनपुट्स हैं वो लगा दिए हैं। ठीक है जी, ओके, आउटपुट, सॉरी, इसकी तो आउटपुट ही होती है ना, ये मैंने लगा दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा कि आई एम लेफ्ट विद दीज फोर RCA कनेक्टर्स। ठीक है, ये फोर RCA कनेक्टर्स मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, अब इनको मैंने किस तरह से लगाना है। ठीक है, इनको मैंने इस तरह से लगाना है कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये देखिए आप। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास है ये, पहले मैं आपको समझा देता हूँ इसकी इनपुट्स और आउटपुट्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पे लिखा हुआ है इन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने देनी है इनपुट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इन। ठीक है, यानी कि ये जो इनपुट है ये चैनल फोर और चैनल थ्री की है, यहाँ पे चैनल फोर और चैनल थ्री लिखा हुआ है, एंड दिस इनपुट इज़ ऑफ चैनल टू एंड चैनल वन, चैनल वन और चैनल टू की ये इनपुट है। ठीक है, और आउटपुट जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाली आउटपुट हम यूज़ कभी भी नहीं करेंगे जब हमने एक ही एम्पलीफायर को यूज़ करना है, क्योंकि ये वाली जो आउटपुट होती है ये तब होती है जब हमने कैस्केडेड सिस्टम बनाना होता है, उसकी डिटेल मैं आपको कभी बाद में बताऊँगा, यानी कि जब हमने दो एम्पलीफायर्स को जो है वो एक साथ लगाना होता है काफ़ी ज़्यादा हैवी सिस्टम के लिए। अभी हम एक ही यूज़ कर रहे हैं तो इसको हमने अभी छोड़ देना है। ठीक है, अब इनपुट्स के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मेरे पास जो ये दो पेयर्स हैं, दो दो वायर्स के, अब वाइट वाली मैंने वाइट वाली के अंदर लगा दी। ठीक है, इस तरह से, और इसी तरह से
ये जो है मेरे पास वाइट वाली केबल, ये मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास ये दो बच गई हैं। अब इनको हमने किस तरह से लगाना है, इनको हमने लगाना है शफल करके, ठीक है। एक जो मैंने इसके ऊपर ये आपके सामने लगाई है, इसको तो मैंने यहाँ पे लगा दिया ना। अब जो इसकी दूसरी वाला जो पेयर है, ये वाला जो इसका पेयर है, ये मैं लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला जो इसका पेयर है, ये वाली वायर का, यानी कि हमने इसको आप समझ लें कि जिगजैग करके हमने इसको लगा दिया। अब इसका क्या, इसका मतलब वजह है, इसकी वजह गाइस ये है कि एक जो चैनल है ना, एक जो साइड है, यानी कि चैनल नंबर 3 और चैनल नंबर 4, ये हमने यूज़ करना है सबवूफर के लिए, और एक जो हमने साइड यूज़ करनी है, यानी कि चैनल 1 और चैनल 2, ये हमने यूज़ करनी है स्पीकर के लिए। अब इसकी वजह ये है कि यहाँ पे सबवूफर में दोनों जो हमारे पास लेफ्ट और राइट जो चैनल है, उन दोनों की जो इनपुट है वो जाएगी, सिर्फ एक इनपुट नहीं जाएगी, तो साउंड हमारे पास ज़रा अच्छा आएगा, सिर्फ ये है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको अब बताता चलूँ थोड़ा सा डिटेल में, तो मैं आपको अभी बाद में बताऊँगा, बट यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर चैनल 3 और चैनल 4 के अंदर हमें ज़्यादा कंट्रोल्स मिलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 पोटेंशियोमीटर्स लगे हुए हैं, जबकि चैनल 1 और चैनल 2 के अंदर हमें कम कंट्रोल्स मिलते हैं। तो इसकी क्लियर कट वजह यही है कि जो चैनल 1 और चैनल 2 है, ये है स्पीकर आउटपुट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो चैनल 3 और चैनल 4 है, ये है वूफर आउटपुट के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई पास फिल्टर भी है, लो पास फिल्टर भी है, और गेन भी है। जबकि यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ गेन है, यानी कि वॉल्यूम कंट्रोल आप इसको कहते हैं, और हाई पास आउटपुट है, हाई पास फिल्टर है, यानी कि हम हमारे पास यहाँ पे, तो हम ये स्पीकर के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने कनेक्शंस आपको सिखा दिए, जिगजैग आपने लगाने हैं, ठीक है। ओके, अभी मैं क्या करूँगा कि हमारे पास अब जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड, ठीक है। अब यहाँ के कनेक्शंस के बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ के हम कनेक्शंस किस तरह से करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी कि हमारे पास जो चैनल 1 और चैनल 2 है, ठीक है, चैनल 1 और चैनल 2 इज़ फॉर स्पीकर्स, यानी कि ये वाली जो साइड है स्पीकर्स के लिए यूज़ हो जाएगी, और चैनल 3 और चैनल 4 जो है, ये हमारे पास सब ऊपर के लिए यूज़ होगा। अब यहाँ पर ये नीचे लिखा हुआ है ब्रिज, ब्रिज का मतलब क्या होता है, ब्रिज का मतलब ये होता है कि ये जो यहाँ पे दो आउटपुट्स हैं, ये ब्रिज हुई हुई हैं, यानी कि आप इसे एक आउटपुट भी ले सकते हैं, और आप अगर चाहें तो दो आउटपुट्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे स्पीकर से तो हमने दो आउटपुट्स ही लेनी है, क्योंकि इतना ज़्यादा लोड नहीं होता स्पीकर के ऊपर, ज़्यादा जो लोड होता है वो इस साइड पे होता है सबवूफर आउटपुट के ऊपर। अगर आप चाहें तो दो सबवूफर भी अटैच कर सकते हैं, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि आपका जो एम्पलीफायर है वो काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो जाएगा, और ये भी हो सकता है कि इसके अंदर जो लगी हुई FETs हैं वो बर्न आउट हो जाएँ। तो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे एक ही जो आउटपुट है उसको यूटिलाइज़ करें, ब्रिज आउटपुट को यूटिलाइज़ करें, और एक ही सबवूफर को अटैच करें, जैसे कि मैं आपको अभी के दिखाऊंगा, ठीक है। इससे कम से कम लोड पड़ेगा आपके एम्पलीफायर के ऊपर, और साउंड भी आपको अच्छा मिलेगा 2.1 का, ठीक है। ओके, सो यहां पे अभी मैं क्या करने वाला हूं कि इसके साथ अभी सिंपली मैं दो स्पीकर्स अटैच करूंगा, सिंपल होम स्पीकर्स, और ये जो सबवूफर है इसको मैं अटैच करूंगा, और उसके बाद फिर हम जो है वो इसके सारे जो कनेक्शंस हैं वो वेरीफाई करके इसको ऑन कर देंगे, और फिर हम इसकी आउटपुट को चेक करेंगे। सो लेट्स सी कि क्या होता है। ओके, ये मेरे पास एक स्पीकर है, ठीक है, काफ़ी पुराना है ये, बट इट्स फाइन, बहुत अच्छा काम करता है ये। तो इसको मैं यहाँ पे एक तो यहाँ पे अटैच कर दूँगा हमारे लेफ्ट चैनल के लिए, ठीक है जी। स्पीकर वाली साइड जो है वो ये वाली है, चैनल 1 और चैनल 2 की। तो यहाँ पे मैं स्पीकर को अटैच कर दूँगा, नेगेटिव और पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं उनका आपने खास ख्याल रखना है स्पीकर्स के कनेक्शंस और वूफर के कनेक्शंस करते हुए। नेगेटिव वाली जो वायर है ऑब्वियसली वो ब्लैक है, तो मैं इसको यहाँ पे, और जो पॉजिटिव वाली है वो रेड है, इसको मैं यहाँ पे करके इस तरह से स्क्रूज के टाइट कर दूँगा। ओके, सिमिलरली जो मेरे पास दूसरा स्पीकर है, ये उसकी वायर आ रही है, ठीक है, इसको भी मैं इसी तरह से पोलैरिटी का ध्यान रखते हुए अटैच कर दूंगा।
ठीक है जी, ये भी मैंने लगा दिया। इस वक्त हमारे जो स्पीकर्स हैं वो मैंने अटैच कर दिए हैं, ठीक हो गया जी। और अभी क्या करने वाला हूँ मैं, वूफर की वायर भी अटैच कर देता हूँ। फ़िलहाल वूफर को मैं अटैच नहीं करता, फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ स्पीकर्स ही अटैच करके इसके जो कनेक्शंस हैं वो समझाता हूँ। उसके बाद हम वूफर अटैच करते हैं और उसके बाद इसकी सेटिंग्स करते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसको ऑन करता हूँ और फिर हम चेक करते हैं इसके साथ जो है वो स्पीकर्स को, और उसके बाद फिर मैं जो हूँ वो यहाँ पे लगाऊंगा हमारे पास ये जो वूफर है इसको, ठीक है। ठीक है, अभी हम इसको ऑन करके चेक करते हैं। मैं वायर्स जो हैं इसकी बैटरी के साथ कनेक्ट करके इसको ऑन कर लेता हूँ। ये है जी प्री एम्पलीफायर, इसको मैंने यूं कर दिया ताकि आपको ये नज़र आता रहे और आपको समझ आती रहे चीज़ों की, ठीक है। ओके, सो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। नीचे मैंने बैटरी रखी हुई है, वहाँ पे मैं सिंपली अपने जो क्रोकोडाइल क्लिप्स हैं उनको ऑन करके, ओके तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो सिस्टम है वो इस वक्त ऑन हो चुका है, ठीक है। और ये है जी हमारे पास प्री, तो इसको मैंने ऑन किया तो ये इस वक्त ऑन हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट करके मैं आपको बता देता हूँ इसका साउंड वगैरह, मैं इसको इसका आपको सुना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे है जी मेरे पास मोबाइल फ़ोन और इसको मैं ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके आपको बताता हूँ कि क्या इसमें आउटपुट हमें मिलती है। तो गाइस आपने देखा कि मैंने ब्लूटूथ को इस वक्त कनेक्ट कर दिया है हमारे प्री एम्पलीफायर के साथ, ठीक है। और ये इस वक्त ब्लूटूथ के ऊपर चल रहे हैं और ये दो स्पीकर्स इस वक्त हमारे पास जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं, ठीक है। एक ये है और एक दूसरी साइड के ऊपर लगा हुआ, ठीक है। ओके, अभी मैंने क्या करना है कि आपको सिखाने हैं इसके जो कनेक्शंस हैं वो, मतलब इसके जो सेटिंग्स हैं, सॉरी सेटिंग्स जो हैं इसकी, वो मैंने आपको बतानी है कि इसकी हम सेटिंग्स को किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट मी टेल यू अबाउट द सेटिंग्स। ओके गाइस, तो ये है जी हमारे पास इंटरफेस सेटिंग्स का, ठीक है। अब ये है जी गेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको इस वक्त नज़र आ रहा हो तो ये है जी गेन। गेन एक्चुअली काम करता है एज ए वॉल्यूम कंट्रोल हमारे पास, ठीक है। इसको मैं कम करूँगा तो हमारे पास आवाज़ कम हो जाएगी, इसको मैं ज़्यादा करूँगा तो आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये आमतौर पर हम एंड पे ही रखते हैं, ठीक है। ये जो गेन होता है हम इसको पूरा ही रखते हैं, ठीक है। ये है जी हमारे पास हाई पास फिल्टर यानी कि HPF, इसको हमने किस तरह से करना है। अभी मैं ज़रा म्यूज़िक दोबारा से लगाता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास हाई पास फिल्टर, इसको मैं जितना नीचे लेके आऊँगा यानी कि 120 हर्ट्ज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं 120 हर्ट्ज़ पे लेके आऊँगा तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी और क्या होगा, बेस ज़्यादा हो जाएगी, ट्रेवल कम हो जाएगा, ठीक है। मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम मैंने जैसे ही बढ़ाया, ठीक है। अब मैं हाई पास फ्रीक्वेंसी को, अगर हाई पास फिल्टर को अगर मैं आगे लेके जाऊँगा यानी कि 3K की साइड के ऊपर, तो हमारे पास ट्रेबल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास साउंड जो है वो उतना ज़्यादा पतला हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको वापस लेके आऊँगा तो साउंड हमारे पास दोबारा से थिक होना शुरू हो जाएगा यानी कि मिड रेंज के ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेटिंग्स आपने करनी है वो किस तरह से करनी है, इसको आपने रखना है बीच में, ठीक है। वैसे तो डिपेंड करता है आपके अपने जो चॉइस है आपकी अपनी होती है, स्पीकर्स के ऊपर डिपेंड करता है जो आप इसके साथ यूज़ करते हैं, लेकिन आमतौर पे ये जो हमारे पास HPF होता है यानी कि हाई पास फिल्टर होता है ये मिड के अंदर होता है, ठीक है। और जो गेन होता है ये हमारे पास फुल होता है, ठीक है।
यहाँ से हमारे पास ना तो ज़्यादा थिक साउंड आता है या ना तो मिड रेंज में आता है, ना तो हमारे पास ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड आता है. तो इट्स द बेटर ऑप्शन फॉर यू. ओके, अब मैं आता हूँ हमारे इस साइड के ऊपर जो मेन चीज़ है, विच इज़ द हार्ट ऑफ आर म्यूजिक सिस्टम, आर कार म्यूजिक सिस्टम. अब मैं इस साइड के ऊपर आता हूँ और आपको फिर बताता हूँ कि यहाँ पे जो कनेक्शंस, सॉरी यहाँ पे जो सेटिंग्स हैं वो मैंने किस तरह से करनी है. ठीक है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो है हमारे पास सब वूफर, इसको मैं अटैच करने वाला हूँ हमारे एम्पलीफायर के साथ. उससे पहले मैं क्या करूँगा कि इसको अनप्लग कर दूँगा ताकि कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए. ठीक है, इसको मैं पहले अनप्लग कर देता हूँ. ओके गाइस, इसको मैंने अनप्लग कर दिया और अब मैं क्या करने वाला हूँ कि सब वूफर को अटैच करने वाला हूँ इसके साथ. ओके, वायर कहाँ पे गई? ये वायर है. ठीक है, तो जैसे मैंने स्पीकर्स को अटैच किया था सिंपली, उसी तरह से हमारे पास जो सब वूफर है उसको भी अटैच कर दूंगा मैं. लेकिन इसमें यहाँ पे थोड़ा सा जो समझने वाली चीज़ है वो क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो कनेक्शंस होते हैं ये ब्रिज्ड होते हैं. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे लगाऊंगा वायर पॉजिटिव वाली और नेगेटिव वाली वायर इस एंड पे लगाऊंगा, क्योंकि हम एक सबवूफर यूज़ कर रहे हैं तो हमने इसी तरह से करना है. यहाँ पर नहीं लगानी आपने, मैक्सिमम आउटपुट के लिए आपने इस एंड से लेके इस एंड पे, यानी कि पॉजिटिव इधर और नेगेटिव यहाँ पे, यहाँ पे साइंस भी बने हुए हैं. ठीक है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको मैं यहाँ पे लूज करता हूँ स्क्रूज को. ठीक है, ये वाली जो दो साइड्स हैं यहाँ से हमने इसको लगाना है. ओके, इसको मैंने लूज कर दिया एंड जो पॉजिटिव वायर है वो मैंने लगा दी है यहाँ पे. गाइस, वायर्स आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए. वायर्स के ऊपर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि वायर्स जो हैं वो जब तक अच्छी क्वालिटी की नहीं होंगी लॉसेस होंगे, आप अच्छा साउंड नहीं सुन पाएंगे. और दूसरी चीज़ होती है कि शॉर्ट सर्किट की भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चांसेस होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज के ऊपर, हाई एम्पेयर्स के ऊपर चलता है, वोल्टेज नहीं एम्पेयर्स के ऊपर चलता है. तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है. एम्पेयर्स भी मैं आपको इसके भी टेस्ट करवाऊँगा मैक्सिमम साउंड के ऊपर. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दो वायर्स थी मैंने लगा दी. ठीक है, और इसी तरह से जो हमारा सबवूफर है इसके कनेक्शंस भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ. ठीक है, ये है जी सबवूफर और इसके जो कनेक्शंस हैं वो हमने यहाँ पे, आप जैसा कि देख सकते हैं इसका कनेक्टर लगा हुआ है. तो सिंपली जो पॉजिटिव है वो रेड होता है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव में यहाँ पे लगा दूँगा इस तरह से, आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, इसको मैंने लगा दिया. ओके, और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ अभी ऐसे. ठीक है जी, ये मैंने इसको रख दिया. ओके, अब आएगा हमारे पास वूफर का साउंड भी और अब आएगा सही साउंड का, हमें पता चलेगा. ठीक है, मज़ा आएगा साउंड का अब. ठीक है, तो इसको मैं अभी फ़िलहाल ऐसे रख देता हूँ. म्यूज़िक मैं यहाँ पे लगाता हूँ अभी. ठीक है, तो ये है जी वायर. बैटरी की मैं इसके साथ अटैच कर देता हूँ. ओके गाइस, तो इसको मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ अभी. ये ऑन हो चुका है और इसके ऊपर नहीं है अभी. इसको मैं ब्लूटूथ के ऊपर ले जाता हूँ और ब्लूटूथ इस वक्त कनेक्टेड ही है इसके साथ. ठीक हो गया. ओके, अब मैं जो है वो इसको ऑन करके चेक करता हूँ साउंड को कि अब कैसा साउंड हमारे पास आता है. सो लेट्स सी. ओके, अब यहाँ पे हमारे पास बेस आ रहा है. ओके, आपको ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा बेस का, बट मुझे पता चल रहा है कि बेस यहाँ पे हमारे पास आ रहा है. मैं ज़रा बेस को बढ़ा के चेक करता हूँ हमारे बी से. ठीक है, बेस को मैं फुल के ऊपर लेके जाता हूँ अभी. Thank you.
मैं क्या करूँगा कि स्पीकर्स की जो ये जो मेरे पास इनपुट्स हैं इनको मैं अभी फ़िलहाल ठीक है इनको मैं अभी निकाल लेता हूँ और सिर्फ इस सब ऑफर को मैं यहाँ पे रन करूँगा ताकि आपको ठीक तरीके से समझ आ सके इसकी सेटिंग्स की। ठीक है जी, स्पीकर्स मैंने इस वक्त उतार दिए हैं और अभी सिर्फ बेस आ रही है। ठीक है, मैं ऊंची करता हूँ आवाज़, अब आपको भी इसकी बेस सुनाई देगी। दिखा भी दूँ इसको, आपको इस वक्त पता ही नहीं चल रहा होगा। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा इस साइड के ऊपर करता हूँ, फिर आपको इसकी वाइब्रेशंस जो है वो नज़र आएंगी। लेट मी शो यू। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं इस वक्त अच्छा खासा ये वाइब्रेट कर रहा है, अच्छी खासी यहाँ पे हवा भी आ रही है इसकी, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अच्छी खासी। ओके, अच्छा अभी मैं आपको इसके कनेक्शंस करना बताऊँगा, इसके कनेक्शंस मैं कहता जा रहा हूँ, सेटिंग्स करना मैं आपको बताऊँगा कि इसकी सेटिंग्स हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसकी सेटिंग्स जो हैं वूफर की वो किस तरह से होंगी, स्पीकर्स के मैंने इस वक्त ये दोनों जो हैं प्लग्स उतारे हुए हैं। ठीक है, तो ये है जी मेरे पास स्क्रू ड्राइवर और आपको मैं अभी बताने वाला हूँ इसकी सेटिंग्स के बारे में। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं लो पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर है एंड गेन है। गेन को आपने वूफर के भी गेन को हमेशा आपने पूरा रखना है, ठीक है, एंड पे रखना है। ठीक है, ये है जी लो पास फिल्टर ये बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है इस चीज़ का। अब यहाँ पे मैं अगर इसको 50 हर्ट्ज की साइड के ऊपर लेके आऊँगा तो क्या होगा, हमारे पास जो लो पास फ्रिक्वेंसीज है वो और कम हो जाएंगी, यानी कि बेस हमारी बढ़ जाएगी। इस वक्त 50 हर्ट्ज पे हैं, अब मैं इसको अगर यहाँ पे लेके आऊँगा 250 हर्ट्ज की साइड के ऊपर तो हमारे पास जो आप जैसा कि देख सकते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ गई है। इसको हमने रखना है 50 हर्ट्ज़ और 250 हर्ट्ज़ के बीच में, ठीक है, ताकि वोकल्स भी जो हैं आपको, जो आप सॉन्ग सुनते हैं, जो भी आप म्यूज़िक सुनेंगे उसके वोकल्स भी आपको सुनाई दें। ठीक है, क्योंकि बेस ही बेस जब हो जाती है तब भी साउंड का ज़्यादा मज़ा नहीं आता, क्योंकि हर वक्त हमें ऐसा साउंड पसंद नहीं होता। ठीक है, ओके, अब ये जो हाई पास फिल्टर वाली साइड है यहाँ पे, इसको मैंने बीच में रख दिया, यहाँ पे इसको मैंने बीच में रखा, इसको भी बीच में रखा, गेन को फुल कर दिया। सो दिस इज़ दी सबवूफर सेटिंग। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सबवूफर की सेटिंग है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है हाई पास फिल्टर HPF LPF यानी कि लो पास फिल्टर, जिसके ऊपर अभी ये हमारे पास जो स्विच आया हुआ है, और फुल के ऊपर मैं लेके जाऊँगा तो हमारे पास हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर ये दोनों फ्रिक्वेंसीज हमारे पास आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो आप देखिएगा हमारे पास दोनों जो फ्रीक्वेंसीज हैं यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी। लेट मी शो यू। तो आपने देखा हमारे पास दोनों फ्रीक्वेंसीज आना शुरू, बट वी डू नॉट वांट दैट। ठीक है, हम इसको वापस लो पास पे लेके जाएंगे। अगर आई हाई पास पे ले जाएं तो बेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास हाई पास फिल्टर आना शुरू हो गया, यानी कि जब हमने स्पीकर्स यूज़ करने होते हैं तो फिर हम इसको फुल के ऊपर रखते हैं या फिर HPF यानी कि हाई पास फिल्टर के ऊपर। हमने इसको रखना है LPF के ऊपर क्योंकि हम वूफर यूज़ कर रहे हैं इसके साथ। ये आपने देखा अच्छा खासा साउंड के ऊपर इस वक्त फ़र्क पड़ चुका है यहाँ पे और यहाँ पे हम करते हैं तो वोकल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं।
इसको फुल पे भी नहीं आपने फुल पे रखेंगे तो दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, बट हमने इसको रखना है यहाँ लो पास फिल्टर के ऊपर, क्योंकि फुल वाला काम हमारे स्पीकर्स हमारे पास ऑलरेडी कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 12, 6 और 0 लिखा हुआ, ये एक्चुअली इंटेंसिटी है हमारे पास लो फ्रीक्वेंसीज की। इसको मैं अगर 6 पे लेके आऊँ तो इंटेंसिटी हमारी बेस की कम हो जाएगी, कम होगी। 0 पे लेके आऊँगा तो बिल्कुल कम हो जाएगी और कम होगी। तो इसको हमने हमेशा 12 के ऊपर रखना है। अगर आप 12 इंच का यूज़ कर रहे हैं तो 12 पे रखना है, 6 इंच का यूज़ कर रहे हैं, 4 इंच का यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप 6 पे रखना है, 12 इंच का यूज़ करें इसको 12 के ऊपर रखने के। सो गाइस ये थी टोटल सेटिंग्स हमारे जो 4-चैनल एम्पलीफायर है उसकी। सो दैट्स इट, सो गाइस ये थी हमारी टोटल सेटिंग्स एक 4-चैनल एम्पलीफायर की सेटिंग्स प्लस वायरिंग। आप लें ये देख ली कि हमने किस तरह से करनी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप इसको घर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, आप इसको अपनी गाड़ी के अंदर यूज़ करें, जहाँ भी आपने यूज़ करना है। सेटिंग्स भी मैंने आपको समझा दी हैं कि एक अच्छे साउंड के लिए हम किस तरह की सेटिंग्स करते हैं। वैसे तो आप पे डिपेंड करता है, जैसे भी आपको पसंद हो, लेकिन अच्छे साउंड के लिए हम सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं मैंने आपको वो भी बता दी हैं, और कनेक्शंस का भी मैंने आपको बता दिया कि हम एक कार एम्पलीफायर जो सिस्टम है उसके कनेक्शंस किस तरह से कर सकते हैं। मेक श्योर के इसकी जो वायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, मैं आपको दोबारा भी बता रहा हूँ। सो गाइज अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना है, इस कनेक्शंस के बारे में, इस सिस्टम के कनेक्शंस के बारे में कुछ पूछना है, सब ऊपर के बारे में कुछ पूछना है, 2.1 इसको कैसे बनाते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, इसको 2.2 हम कैसे बनाते हैं वो अगर आपने पूछना है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है, वो आप कमेंट्स में नीचे ज़रूर मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको हर कमेंट का, हर रेलिवेंट कमेंट का मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर आप इस तरह की वीडियोज़ फर्दर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हो सके तो। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।